हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए हैं जो कि पटना जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और विपत्तिपुर लोकेशन में पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन 2 BHK का फ्लैट है जो कि आपका पूजा रूम के साथ मिलने जा रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि फ्लैट की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम आपको कॉरिडोर और सारा एरिया दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये कॉरिडोर का एरिया हो गया, ये आपका कॉरिडोर हो गया, ये लिफ्ट का एरिया हो गया और ये सीढ़ी का एरिया हो गया। फायर पूरा इक्विपमेंट लगी हुई है, अब देख सकते हैं। एक सीढ़ी आपका उस तरफ है। G+6 की बिल्डिंग है जिसमें थर्ड फ्लोर पे ये फ्लैट है। ईस्ट फेसिंग फ्लैट है। 2 BHK का 1090 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये देखिए फ्लैट नंबर 308 जो हम यहां से एंट्री करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया है। पंद्रह बाई 10.5 का आपका ड्राइंग हॉल का एरिया है। आपका जो देख रहे हैं ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। और ये आपका डाइनिंग हॉल का एरिया हो गया। डाइनिंग हॉल के स्पेस की बात करें तो 9x10 का आपका डाइनिंग हॉल है। और डाइनिंग हॉल आप देख रहे हैं रेडी टू मूव 100% कंप्लीट फ्लैट है जो कि इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। दो ब्लॉक की सोसाइटी है, दो ब्लॉक की सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। और ये देखिए, ये आपका बालकोनी का एरिया हो गया। चार फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा बालकोनी है और ये 100% रेसिडेंशियल एरिया में है। ये देखिए, अगल बगल का जो है मैं आपको लुक दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पटना जंक्शन की बात करेंगे तो यहां से मात्र 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ने जा रही है और बाईपास मात्र यहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर पे मीठापुर मेट्रो स्टेशन आपको होने जा रही है। ये देखिए, ये आपका किचन का एरिया हो गया। किचन की साइज की बात करेंगे तो 10x6 का आपका किचन है। 10x6 का किचन है जो कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल ही स्पेशियस किचन है। और ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। एक 1090 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये 2 BHK का फ्लैट है। जो कि बिल्कुल ही स्पेशियस फ्लैट है। आपका ये एक रूम हो गया। पश्चिम साइड में आपका ये विंडो हो गया। बिल्कुल ही लाइटेड और हवादार फ्लैट है। ये देखिए, आपका अंजीरा का जगह ऑलरेडी बना हुआ है। बारह बाई 10 का ये बेडरूम है। सामने में आप वार्डरोब वगैरह का भी काम करवा सकते हैं और इसके साथ अटैच एक टॉयलेट है।
बहुत ही स्पेशियस टॉयलेट है, लगभग 9x5 का आपका टॉयलेट है। और ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया, देखिए यह आपका बेडरूम है। बेडरूम के साथ अटैच एक आपकी इस रूम में बालकोनी है, और प्लस एक अलग से आपका ये एरिया दिया हुआ है जो पूजा रूम का है। ये देखिए अप्रोक्सीमेट 7x4 का आपका पूजा रूम है, लाइट वगैरह सारा लगा हुआ है। और इस रूम के साथ अटैच एक बालकोनी है, इस बालकोनी की साइज की बात करेंगे तो 5x10 का बालकोनी है, 5 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा आपकी बालकोनी है, 10 फीट। बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में ये फ्लैट है, जो कि अभी आपने फ्लैट को देखा है, जो 1090 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अभी हम पार्किंग दिखाने जा रहे हैं, पार्किंग और आसपास की लोकेशन क्या है, कितना स्पेस छोड़ा हुआ है, सारा चीजें दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए ये पार्किंग का एरिया हो गया, एक लिफ्ट सीढ़ी यहाँ पे हो गई, एक सीढ़ी यहां हो गया, पंद्रह फीट का चारों तरफ ड्राइववे छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए तो बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट सोसाइटी है, बहुत ही आसान सोसाइटी है, जिसमें 2 BHK का आपका फ्लैट खाली है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।